तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। दोस्तों कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर मोटर में क्या करता है, कैपेसिटर के काम मोटर में क्या होता है। दोस्तों देखिए इसको कैपेसिटर, मेन नाम इसको कैपेसिटर होता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए होंगे, इसको कैपेसिटर कहते हैं। और सब बोलते हैं, माने कि सभी कोई बोलते हैं इसको कंडेंसर इसको, मगर असली नाम इसको कैपेसिटर है दोस्तों, ठीक है, और बोला जाता है इसको कंडेंसर, कंडेंसर सभी बोलते हैं। तो कंडेंसर के काम होता है क्या दोस्तों, कि मोटर को झटका देकर स्टार्ट करना, ठीक है, मोटर के स्टार्टिंग होते के समय स्टार्ट करना, यानी कि स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आइए इसको बारे में आपको डिक्लियर से बोर्ड पर समझाते हैं दोस्तों। तो मोटर का कैपेसिटर क्या होता है, मोटर में कैपेसिटर का काज क्या होता है दोस्तों, उसको बारे में हम डिक्लियर से आज जानेंगे, ठीक है। तो मोटर मोटर में कैपेसिटर का काम होता है ये दोस्तों, कैपेसिटर का प्रयोग हम मोटर में करते हैं झटका उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, समझ ही होंगे आप दोस्तों, कैपेसिटर के बारे में आप समझ ही होंगे। दूसरा, फैन मोटर का प्रयोग कैमरा में सूक्ष्म हवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है दोस्तों, यह फैन मोटर एसी सप्लाई से चलता है, ठीक है, समझिए हमको। और फैन फैन मोटर मुख्य रूप से तीन तीन प्रकार के होता है दोस्तों, जो एसी सप्लाई से चलता है। पहला होता है दोस्तों सेलिंग फैन, और दूसरा टेबल फैन, और तीसरा फराटा फैन। फराटा फैन उसे कहते हैं दोस्तों जो 5 डाना का पंखा रहता है उसको, और स्टैंड रहता है बड़ा, उस वाला का फराटा फैन बोलते हैं दोस्तों। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।